दोस्तों, अगर आपका बाथरूम भी छोटा है और उसमें आपके सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए जगह आपको बहुत ही कम पड़ती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजिंग आइडिया जो आपके बाथरूम में आपकी छोटी जगह को बड़ी बनाने में आपकी हेल्प करेगा और आप आपकी सारी चीजों को अच्छे से मैनेज और ऑर्गेनाइज कर कर रख सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस तरह के तीन ऑर्गेनाइजर जिसे आप कपड़े से बना सकते हैं और वो बनाने में बहुत ही इजी है। वैसे तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर का आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बाथरूम छोटा है तो उसमें भी आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने मेरी साड़ी के ब्लाउज पीस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमें लेना है क्विल्टेड फैब्रिक, जिसमें ऊपर फैब्रिक लेना है, बीच में फोम लेंगे और नीचे नॉन वोवन लेंगे। ये 21x8 इंचेस का है और इसी तरह के हमें और 3 पार्ट्स लेने हैं जो 8x6 इंचेस के हैं और उसके हमें अस्तर भी लेने हैं 8x6 इंचेस के। इसके अलावा हम लेंगे 3 ज़िप और उसके 3 रनर और एक डिज़ाइनर लेस। अब सबसे पहले हमें 8x6 इंचेस का फैब्रिक लेना है और जिस साइड से 6 इंचेस है वहाँ से हम 1.5 इंचेस की जगह छोड़कर इसे कट कर लेंगे और हमारी जिप को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब इस बड़े पार्ट्स के मेजरमेंट से हमें ब्लाउज पीस का फैब्रिक कट कर लेना है और उसे आपको इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे और जिप के साथ इसे भी हम अटैच कर लेंगे और हमें यहाँ पर ऊपर प्रेस स्टिच कर लेनी है और रनर को ऐड कर लेना है। अब जो हमारा अस्तर का पार्ट्स था 8x6 इंचेस का, उसके साथ हम इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें लेस लेनी है और लेस को इस तरह से ऊपर की साइड अटैच कर लेना है। इसी तरह से हम तीनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। अब हमें हमारा बेसिक फैब्रिक लेना है और वहाँ पर आपको 1.5 इंचेस के गैप छोड़कर दोनों पीस के बीच और इसे इस तरह से सेट करना है। और उसे इस मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे बेसिक फैब्रिक के साथ अटैच हो गए हैं। अब हमें लेनी है लेस और लेस को इस तरह से हमें अटैच करना है। हमें इस चारों साइड इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें लेस का नोक बनाकर एक बैंगल को यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो रेडी है ये हमारा ऑर्गेनाइज़र। आप इसे अपने बाथरूम में इस तरह से हैंग कर सकते हैं और अपनी सारी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी जिप को अटैच किया था तो टोटल हमें 6 पॉकेट मिलेंगे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र, जिसके लिए मैंने 15x16 इंचेस का एक फैब्रिक लिया है जिसे हमें डबल लेना है। इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है और जो हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ पर हमें 3 इंचेस पर मार्क करना है। इसी तरह से हम सेकंड साइड भी कर लेंगे। अब हमें लेना है 21x7.5 इंचेस के इस तरह के 2 फैब्रिक। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था जहाँ पर हमने 3 इंचेस छोड़कर मार्क किया था वहाँ पर हमें 5x5 इंचेस के गैप पर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे हमें यहाँ पर इस तरह से प्लेट लगाकर अटैच करना है।
अब जो हमने 5 इंचेस पर मार्क किया था वहां पर हम ऊपर से फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से आपको इसके ऊपर स्टिच करनी है। इस तरह से हमें दोनों साइड कर लेना है। तो ये हमारे 6 पॉकेट इसमें रेडी है। अब हमें क्या करना है कि इसके दोनों साइड में हम डबल फोल्ड कर लेंगे और अब मिडल में जो हमने 3-3 इंचेस की गैप की थी और जहाँ पर स्टिच आई है उसी की मेजरमेंट के हिसाब से हमें फैब्रिक लेना है, लेकिन दोनों साइड फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है और हम दोनों साइड इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए अटैच करना है। जो हमारे नीचे सिलाई की हुई थी उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। अब हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है और इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और इसे मिडल में हमें फिक्स कर लेना है। अब हम ऊपर की साइड 2 इंचेस की जगह छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आपको एक हैंगर लेना है और हैंगर को इस तरह से यहाँ पर रख कर यहाँ पर भी फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, रेडी है ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें आप अपने बाथरूम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसके अंदर आप दोनों साइड चीज़ों को रख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों साइड इसमें पॉकेट बनाए हैं और मिडल में आप बड़ी चीज़ों को या फिर अपने क्लॉथ को, टॉवल को भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं। अब आपको लेना है अस्तर, उसके ऊपर फोम और उसके ऊपर क्लॉथ और उसके ऊपर आपको इस तरह से स्टिच करके क्विल्ट बना लेने हैं। अगर आपको क्विल्ट बनाना नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से कपड़े के ऊपर क्विल्ट बनाना है और पहले क्विल्टेड फैब्रिक रेडी करना है। क्विल्ट रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर 6.5x5 इंचेस का एक पीस कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग अटैच करनी है। इसी तरह के हमें टोटल 3 पीस रेडी करने हैं। अब हमें बेसिक फैब्रिक लेना है और इसका मेजरमेंट मैंने लिया है 15x6 इंचेस का। इसको भी मैंने क्विल्ट बनाकर रेडी कर लिया है। नीचे अस्तर है, बीच में फोम है और ऊपर मेन फैब्रिक है। अब जो हमारे 3 पीसेस थे हमें उसे लेना है और उसे इस तरह से आपको इसके ऊपर सेट करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप इसे कट कर सकते हैं या फिर आप बेसिक फैब्रिक बड़ा ले सकते हैं। अब इन पीस को हम बेसिक फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए और उस लाइन के ऊपर इसे स्टिच कर लीजिए और स्टिच करने के बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और जो लास्ट है उसे हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है स्ट्रेट। अब यहाँ पर चारों साइड से स्टिच करके इन सभी को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। साइड में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे आप कट कर लीजिए। अब यहाँ पर ऊपर की साइड से हमें हल्का सा कर्व देना है और इसे हम राउंड शेप दे देंगे। अब आपको लेनी है एक 4 इंचेस की स्ट्रिप और इसे फोल्ड कर लेना है और इस तरह से यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंचेस लेंथ की एक स्ट्रिप लेंगे और आपको इस तरह से इसे अटैच करनी है। स्ट्रिप को अटैच करने के बाद उसे ऊपर की साइड कर लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो नीचे की साइड बाकी था वहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। सो फ्रेंड्स, रेडी है ये हमारा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।